रहीम डॉन चिल्ड्रन अकेडमी स्टूडेंट्स टुडे आई विल टीच इंग्लिश ऑफ क्लास वन ऑफ़ क्लास वन ओपन योर बुक पेज नंबर फोर रीड इट विद मी बच्चों मेरे साथ पढ़ो तुम्हें रीडिंग करना आना चाहिए पढ़ना आना चाहिए और इसकी स्पेलिंग भी याद कीजिए इट इज़ अ बॉक्स इट इज़ अ बॉक्स ये एक संदूक है बॉक्स संदूक इट इज़ अ बॉटल इट इज़ अ बॉटल ये एक बोतल है बॉटल स्पेलिंग याद कीजिएगा बॉक्स की बॉटल की इट इज़ अ बैग इट इज़ अ बैग ये एक बस्ता है इट इज़ अ बटन इट इज़ अ बटन ये एक बटन है इट इज़ अ पॉट इट इज़ अ पॉट ये एक बर्तन है इट इज़ अ क्लॉक इट इज़ अ क्लॉक ये एक घड़ी है इट इज़ अ कप इट इज़ अ कप ये एक कप है इट इज़ अ प्लेट इट इज़ अ प्लेट ये एक प्लेट है इट इज़ अ बस इट इज़ अ बस ये एक बस है इट इज़ अ हैट इट इज अ हैट हैट मीन्स टोपी ये एक टोपी है इट इज अ ट्रेन इट इज अ ट्रेन ये एक ट्रेन है देखें ये बच्चों इसका इंजन है ट्रेन का रेलगाड़ी का इट इज़ अ डॉल इट इज़ अ डॉल ये एक गुड़िया है इट इज अ ब्लैक बोर्ड इट इज़ अ ब्लैक बोर्ड ये एक ब्लैक बोर्ड है आपकी मिस लिखती है ना इस पर आप भी लिखते हैं इट इज़ अ डस्टर इट इज़ अ डस्टर ये एक डस्टर है आपका आपकी मिस ब्लैक बोर्ड को साफ़ करती है ना डस्टर से स्टूडेंट ना ओपिन योर पेज नंबर एट सफ़ा नंबर आठ खोलिए आई एम जमील आई एम जमील मैं जमील हूँ आई एम सारा खान आई एम सारा खान मैं सारा खान हूँ ये देखें जमील इशारा कर रहे हैं सारा खान की तरफ और कह रहे हैं यू आर सारा खान यू आर सारा खान तुम सारा खान हो तुम सारा खान हो अब सारा खान जमील की तरफ इशारा करेंगे देखिए और कह रही हैं यू आर जमील यू आर जमील तुम जमील हो आई एम मिस्टर रियाज आई एम मिस्टर रियाज मैं मिस्टर रियाज हूँ आई एम मिस नाज आई एम मिस नाज मैं मिस नाज हूँ यू आर मिस नाज यू आर मिस नाज मिस्टर मिस्टर रियाज देखें आ, नहीं मिस्टर रियाज इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मिस नाज हैं और ये इसमें देखिए यू आर मिस्टर रियाज यू आर मिस्टर रियाज और ये मिस नाज इशारा कर रही हैं और कह रही हैं यू आर मिस्टर रियाज आप मिस्टर रियाज हैं नाउ स्टूडेंट पेज नंबर नाइन आई एम अ बॉय आई एम अ बॉय मैं एक लड़का हूँ यू आर अ गर्ल तुम एक लड़की हो यू आर अ गर्ल तुम एक लड़की हो आई एम अ गर्ल मैं एक लड़की हूँ आई एम अ गर्ल मैं एक लड़की हूँ यू आर अ बॉय यू आर अ बॉय तुम एक लड़के हो ये लड़की कह रही है कि तुम एक लड़के हो और ये लड़के लड़का कह रहा है तुम एक लड़की हो ही इज अ बॉय ही इज अ बॉय शी इज अ गर्ल वो एक लड़का है ही मीन्स वो ही मीन्स वो ही इज़ अ बॉय वो एक लड़का है शी इज अ गर्ल शी इज़ अ गर्ल वो एक लड़की है शी मीन्स वो यू मीन्स तुम यू मीन्स तुम आई मीन्स मैं आई मीन्स मैं आई के क्या मायने मैं यू का क्या मतलब है तुम आप तुम या आप ही वो लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं और शी का मतलब भी वो होता है लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं दिस इज़ नाइफ दिस इज़ अ नाइफ़ ये एक छुरी है चाकू है काटते हैं ना आप इससे फल काटते हैं दिस इज़ अ केक दिस इज़ अ केक ये केक है दिस मीन्स ये दिस मीन्स ये केक आपकी बर्थडे पे आता है ना आप काटते हैं दिस इज अ पिक्चर दिस इज अ पिक्चर ये एक तस्वीर है दिस इज अस इज़ अ कार यह एक कार है दिस इज अ पेज दिस इज अ पेज यह एक सफा है दिस इज आ फिश दिस इज अ फिश ये एक मछली है दिस इज आ फिश फिश मीन्स मछली पेज मींस सफा दिस इज स्टोन ये एक पत्थर है हाथ में पत्थर है दिस इज स्टोन ये एक पत्थर है दिस इज स्टिक छड़ी को भी कहते हैं टहनी को भी कहते हैं दिस इज अ पिन दिस इज अ पिन दिस इज अ पिन हाथ में देखें सुई है सुई पिन सुई दिस इज अ टिक दिस इज आ टिक दिस इज आ टिक एक टिक है निशान है सही का मिस लगाती हैं आपकी आपके सही काम पे नाव पेज नंबर थर्टीन दिस इज आ फ्लार एंड दिस इज आ ट्री दिस इज आ फ्लार एंड दिस इज आ ट्री ये एक फूल है और यह एक दरख्त है दिस इज अ बर्ड एंड दिस इज एन एरोप्लन दिस इज अ बर्ड दिस इज अ बर्ड एंड दिस इज एन एरोप्ल एंड दिस इज एन एरोप्लन ये एक परिंदा है और यह एक जहाज है दिस इज आ शिप दिस इज आ शिप यह एक पानी का जहाज है एंड दिस इज आ शॉप एंड दिस इज अ शॉप और यह एक दुकान है स्पेलिंग याद कीजिए फ्लावर की ट्री की बर्ड की एरोप्लेन की शिप की शॉप की केक की पिक्चर कार स्टोन, स्टेक पिन फिश टिक ये सब स्पेलिंग आपको याद करना है जबानी स्टूडेंट्स नाउ पेज नंबर फोर्टीन माई नेम इज़ जमील मेरा नाम जमील है माई नेम इज़ जमील मेरा नाम जमील है दिस इज़ माई शर्ट ये मेरी कमीज़ है दिस इज़ माई शर्ट ये मेरी कमीज़ है एस एच आई आर टी शर्ट स्पेलिंग याद कीजिए माई नेम इज़ सारा खान माई नेम इज़ सारा खान मेरा नाम सारा खान है दिस इज़ माई ड्रेस दिस इज़ माई ड्रेस ये मेरा लिबास है ये मेरा लिबास है ये मेरा लिबास है ड्रेस लिबास डी आर ई डबल एस ड्रेस लिबास दिस इज़ माई फेस दिस इज़ माई फेस ये मेरा चेहरा है ये मेरा चेहरा है एफ c e फेस चेहरा माई मेरा दिस इज़ माई आई दिस इज़ माई आई ये मेरी आँख है दिस इज़ माई ईयर यह मेरा कान है आई ई वाई ई आई आँख ई ए आर ईयर कान माई मेरा दिस इज माई नोस दिस इज माई नोस ये मेरी नाक है एन ओ एस ई नोस ये मेरी नाक है दिस इज माई लिप ये मेरा होट है एल आई पी लिप होंठ होठ ये है दिस इज माई तुत ये मेरा दांत है दिस इज़ माई तुत ये मेरा दांत है दिस इज़ माई टंग दिस इज़ माई टंग ये मेरी जबान है दिस इज़ माई टंग ये मेरी जबान है एल आई पी लिप होठ टी डबल ओ टी एस तुत दाँत टी ओ एन जी यू टंग जबान टी ओ एन जी यू ई ट जबान दिस इज़ माई माउथ ये सारा मेरा चेहरा है मेरे चेहरे पर आँखें हैं कान है साइड में चेहरे पर नाक है होठ है दाँत है और जबान है ये सब मेरे चेहरे पर हैं दिस इज़ माई फेस फेस मीन्स चेहरा बच स्टूडेंट्स ये सब इस्पेलिंग याद कीजिए माई यार मेरा बाजू माई थम मेरा अंगूठा My फिंगर्स मेरी उंगली my हैंड पूरे को क्या कहते हैं हाथ पूरा ये बाजू है बाजू है इसमें हाथ है हाथ में अंगूठा है और उंगलियां हैं फिंगर उंगलियां आर्म बाजू थम अंगूठा हैंड हाथ my लैग मेर, मेरा पाँव मेरी टांग my लैग my नी मेरा घुटना My नी मेरा घुटना my फुट मेरा पैर my शू मेरा जूता स्पेलिंग याद करिए बच्चों ए आर एम आर बाजू टी एच यू एम बी थम अंगूठा एफ आई एन जी आर फिंगर उंगली एच ए एन डी एच ए एन डी हैंड हाथ एल ई जी लेग के एन डबल ई नी घुटना के एन डबल ई नी के की आवाज़ साइलेंट है के साइलेंट है इसकी आवाज़ इसको किनी नहीं पढ़ते नी पढ़ते नी घुटना जो इसकी आवाज़ नहीं निकलती उसे क्या कहते हैं साइलेंट माई फुट मेरा पैर एफ डबल ओ टी फुट एस एच ओ ई शू ये स्पेलिंग याद कीजिए बच्चों अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स नाउ पेज नंबर फिफ्टीन दिस इज़ माई हैड दिस इज़ माई हैड ये मेरा सर है स दिस इज़ योर हैड हाँ ये तुम्हारा सर है ये बच्चा कह रहा है हाँ ये तुम्हारा सर है योर मीन्स तुम्हारा हैड सर एच ई ए डी हैड स्पैलिंग याद कीजिए दिस इज़ माई हेयर ये मेरे बाल हैं इसने बाल पकड़े हुए देखे हेयर बाल हेयर बाल यस दिस इज़ योर हेयर ये बच्ची कह रही है हाँ huh, ये तुम्हारे बाल हैं यस दिस इज़ योर हेयर याद करते रहिए बच्चों मेरे साथ याद करते रहिए बार बार याद करिए यस दिस इज़ योर हेयर हाँ ये तुम्हारे बाल हैं दिस इज़ माई नेक दिस इज माई नेक ये मेरी गर्दन है गर्दन ये मुंह के नीचे देखिए फेस के फेस के नीचे क्या है गर्दन दिस इज़ माई नेक यस दिस इज़ योर नैक बुआ कह रहे है यस दिस इज योर नेक हाँ ये तुम्हारी नेक है ये तुम्हारी गर्दन है एन ई सी के नेक नेक मीन्स गर्दन एच ए आई आर हेयर हेयर मीन्स बाल एच ई ए डी हेड हेड, हेड मीन्स सर स्पेलिंग सारी याद कीजिए बच्चों योर की माई की देश की हेड की हेयर की नेक की यह सब स्पैलिंग आपको याद होनी चाहिए जो कुछ मैंने पढ़ाया है ना सारी स्पेलिंग याद कर करिए रोजाना खोलिए अपने यूट्यूब का चैनल और फिर उसके बाद अपना डॉन चिल्ड्रन अकेडमी सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास वीडियोज़ आती रहें और रोज़ाना अपना ये सब याद करिए जो मैंने अभी पढ़ा रही हूँ आपको रोज़ाना आपको याद करना है ताकि इम्तहानों तक आपको सब कुछ याद हो जाए स्कूल खुलते ही इम्तहान होंगे मिस्टर रियास मिस्टर रियाज आर आई ए जेड रियाज एम आर मिस्टर मिस्टर रियाज ये मिस्टर रियाज की तस्वीर देखिए बच्चों गौर से ये फादर हैं जमील के और उज़मा के जमील के और उज़मा के फ़ादर हैं मिस्टर रियाज ये मिसेस रियाज हैं एम आर एस मिसेस आर आई ए जेड रियाज ये रियाज साहब की वाइफ हैं बीवी हैं और ये मदर हैं जमील की और उज़मा की मदर हैं मिस्टर रियाज फादर हैं एफ़ ए टी एच ई आर फादर वालिद हैं मिस्टर रियाज वालिद हैं किसके जमील के और उजमा के और मिसज़ रियाज वालदा हैं अम्मी हैं किसकी उज़मा की और जमील की अम्मी है। एस ओ एन सन एस ओ एन सन बेटा मिस्टर रियाज और मिसज रियाज का बेटा जमील है जे एम आई एल जमील और मिस्टर रियाज और मिस्टर रियाज की बेटी डॉटर डी यू G S T E R daughter daughter पढ़िए daughter spelling याद कीजिए D A U G S T E R daughter बेटी बेटी उजमा बेटी है मिस्टर रियाज और मिसिस रियाज की B R O T H E R brother

दिस इज हिज सन ये उसके ये उनके बेटे हैं दिस इज हिज़ डॉटर ये उनकी बेटी हैं एच आई एस हिज़ मीन्स उनके ही का मतलब वो होता है और लड़के या मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं इसी तरह हिज़ उनके या अपना ये उनके बेटे हैं उन अगर मिस्टर रियाज मर्द की लड़के की बात करते हैं तो उनके लिए हिज़ आता है दिस इज मिसज रियाज दिस इज मिसज रियाज़ ये मिसिज रियाज हैं दिस इज हर सन ये उनके बेटे हैं दिस इज हर सन ये उनके बेटे हैं दिस इज हर डॉटर ये उनकी बेटी हैं दिस इज़ हर डॉटर ये उनकी बेटी हैं तो आपने देखा बच्चों उनके लिए मिस्टर रियाज थे तो हिजाया वो मरद थे मुजक्कर था और इसके अलावा मिसेस रियाज क्योंकि औरत हैं औरत के लिए लड़की के लिए उनके लिए हम जो इंग्लिश का वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या है हर 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 मीन्स उनके उनके बेटे हैं उनकी बेटी हैं दिस इज़ जमील ये जमील हैं दिस इज़ हिज़ फादर ये उस उनके वालिद हैं दिस इज़ हिज़ मदर ये उनकी वालदा हैं दिस इज़ हिज़ सिस्टर ये उनकी बहन है दिस इज उमा ये उमा है। दिस इज़ हर फ़ादर ये उनके वालिद हैं दिस इज़ हर मदर ये उनकी वालदा हैं दिस इज़ हर ब्रादर ये उनके भाई हैं देखा बच्चों आपने जमील लड़का है उसके लिए उनके लिए हिज़ आया है, का इस्तेमाल किया है आप अपनी किताब खोलिए पेज नंबर सिक्सटीन और ये चीज़ चेक कीजिए उजमा लड़की है उमा के लिए हर फादर हर मदर हर ब्रादर का इस्तेमाल किया है हर मीन्स उन उनकी या उसकी तो लड़की के लिए हम एच ई आर हर का इस्तेमाल करते हैं सबकी स्पेलिंग याद कीजिए एफ ए टी एच ई आर फादर एम ओ टी एच ई आर मदर बी आर ओ टी एच ई आर ब्रादर एस ओ एन सन डी ए यू जी एच टी ई आर डॉटर स ये सब स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए तभी तो आप डिक्टेशन दे सकेंगे स्कूल खुलेगा आपका डिक्टेशन होगा तो आपको स्पेलिंग याद होगी तो आप डिक्टेशन दे सकेंगे नो स्टूडेंट पेज नंबर एटीन व्हाट इज दिस ये क्या है आवर क्वेश्चन इज व्हाट इज़ दिस ये क्या है व्हाट इज दिस ये क्या है इट इज़ अ रूम ये कमरा है ये एक कमरा है रूम है What is this? It is a table. What is this? It is a table. T A B L E table. ये एक मेज है. What is this? It is a table cloth. ये एक मेज पोश है. मेज के ऊपर जो कवर होता है. What is this? It is a glass. What is this? It is a glass. ये एक ग्लास है. What is this? It is a spoon. ये क्या है? ये एक स्पून चमचा है. वाट इज दिस ये क्या है इट इज़ अ ड्र ये एक दराज़ है वाट इज़ दिस ये क्या है इट इज़ अ चेयर इट इज़ अ चेयर ये एक कुर्सी है वट इज़ दिस वाट इज़ दिस ये क्या है इट इज़ अ टावल इट इज अ टावल ये एक तौलिया है तौलिया से आप अपना मुंह साफ़ करते हैं ना पोछते हैं जब मुंह धोते हैं तो टी ए बी एल ई टेबल स्पेलिंग याद कीजिए टी ए बी एल ई टेबल सी एल ओ टी एच क्लोथ टेबल क्लोथ मेज पोश याद कीजिए जी एल ए डबल एस ग्लास ग्लास मीनस ग्लास स्पेलिंग याद कीजिए एस पी डबल ओ एन स्पून चमचा डी आर ए डब्ल्यू ई आर ड्रॉर दराज ये दराज है ना ये दराज खोलते हैं इसमें चीज़ें रखते हैं चेयर सी एच ए आई आर चेयर कुर्सी कुर्सी पर आप बैठते हैं इट इज़ अ टावल टी ओ डब्ल्यू ई -E एल टावल तौलिया। स्टूडेंट होमवर्क में अपना होमवर्क जो आपने कर लिया है वो जमा कराइए स्कूल में ये नया होमवर्क लेकर जाइए स्टिक लकड़ी या छड़ी कप मीन्स कप बी आई आर डी बर्ड परिंदा सी ओ एल डी कोल्ड ठंड इसकी राइटिंग करना है आपको इन वर्ड्स की और अगला क्वेश्चन उसका आंसर लिखना है व्हाट इज इट ये क्या है ये देखिए क्या है इट इज़ अ बुक इट इज अ बुक ये एक किताब है ये आपको आंसर पूरे पेज पे लिखना है आपको दिया गया है आके कॉपीज लीजिए व्हाट इज दिस ये क्या है देखिए अभी पढ़ा आपने क्या है ये दिस इज अ ग्लास दिस इज अ ग्लास ये एक गिलास है दिस मीन्स ये दिस मीन्स ये एक ग्लास है आ मीन्स एक आ मीन्स एक दिस इज अ ग्लास पूरे पेज पे आप ये कई मरतबा लिखिए आपको लिखना आए अपनी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अगला सवाल देखिए वेयर इज़ द कप वेयर इज द कप कप कहाँ है द कप पे इट इज ऑन द टेबल ये टेबल पर है टेबल के ऊपर है ना ये टेबल पर है ये मेज पर है इट इज ऑन द टेबल टी ए बी एल ई टेबल टेबल मीन्स मेज ओ एन ऑन ऑन मीन्स ऊपर मेज के ऊपर है ऑन है इट इज इट मीन्स ये इट मीन्स ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज इट ये क्या है ये क्या है इट इज़ एन अम्बरेला इट इज़ एन अम्बरेला ये एक छतरी है ए मीन्स एक एन मीन्स ऑल्सो एक ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है तो फिर यहाँ पर हमने एक यू नहीं लगाया हमारा अम्बरेला देखिए यू से शुरू हो रहा है अम्बरीला यू एम बी आर ई -E डबल एल ए अम्बरेला स्पेलिंग याद कीजिए छतरी मीनिंग भी याद कीजिए अम्ब्रेला छतरी ये वॉवल है आपको पढ़ाया है ए ई आई ओ यू वाविल्स होते हैं ए एप्पल आपने पढ़ा है तो हम ए एप्पल नहीं कहेंगे एन एप्पल कहेंगे ऑरेंज आपने पढ़ा है एन ऑरेंज कहेंगे ऐसे अम्ब्रेला यू से शुरू हो रहा है इसलिए हम एन का इस्तेमाल करते हैं एक के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं वॉवल से पहले एक के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं ये बात जहन नशीन कर लो बच्चों अच्छी तरह याद कर लो आप लोग अपना होमवर्क सफाई से कीजिए अम्मी से अबू से अपनी ट्यूशन की टीचर से हर होमवर्क नहीं कराइएगा ख़ुद आपको करके लेकर आना है हम आपकी राइटिंग पहचान लेंगे आपको खुद करके लेकर आना है रोज़ाना अपना टाइम बनाइए रोज़ाना अपना टाइम टेबल बनाइए अपना रोज़ाना याद करने के लिए बैठा करें रोज़ाना काम किया करें और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में काम किया करें और अम्मी अबू का कहना माना करें जिद घर पे नहीं करें इतने दिन आप घर पे हैं स्कूल नहीं आ रहे हैं तो घर में भी आपको बहुत साफ़ सुथरा रहना है और रोज़ अपना काम अपना काम टाइम टेबल के मुताबिक करना है ठीक है बच्चों इसके अलावा स्कूल की अभी तक अम्मी ने फ़ीस जमा नहीं की है जिन बच्चों की अम्मी ने फीस जमा नहीं की है अपनी वालदा से कहिए स्कूल ऑफिस में लाकर फ़ीस जमा कराएं